हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में पढ़े थे, जो कि आपका यूनिट थर्ड कंप्लीट हो गया था। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट फोर में डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में हम लोग कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007 हम लोग आईएस कोड को यूज करते हैं। जब भी आपको पूछा जाएगा डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, ये आपको आईएस कोड याद रखना है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ डाटा ऐसे रहते हैं, कुछ डाटा जो मिसिंग रहते हैं क्वेश्चन में, उस डाटा को हम लोग आईएस कोड से इसी आईएस कोड से लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, डिफिनेशन में लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल मेंबर्स सब्जेक्ट टू एक्सियल कंप्रेशन या कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। कोई भी आपका एक मेंबर है जिसमें क्या हो रहा है, आपका एक्सियल कंप्रेशन फोर्स लग रहा है या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो उस मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन मेंबर बोलेंगे, ठीक है। डिजाइन इसका कैसा होता है, डिजाइन गवर्न बाय स्ट्रेंथ एंड बकलिंग, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन मेंबर आपके दो टाइप के होते हैं, पहला कॉलम, दूसरा आपका स्ट्रेट, ठीक है। अब देखो कॉलम क्या होता है, कॉलम में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका कॉलम है, ये मान लो आपका कॉलम है, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। कॉलम किसको बोलेंगे, कॉलम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर, सब्जेक्टेड टू बोथ एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। देखो कॉलम क्या होता है, कॉलम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसपे आपका एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों लगता है। मान लो ये आपका एक्सियल फोर्स लग रहा है, इसमें क्या होगा, एक्सियल कंप्रेशन मान लो लग रहा है इसपे क्या होगा, या तो ये आपका कॉलम जो है बेंड कर जाए या बकल कर जाए, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन मिलेगा, ठीक है। तो कॉलम में क्या होता है, आपका एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट आपका एक कंप्रेशन मेंबर है, स्ट्रेट क्या है और इसको डिफिनेशन लिखना है, इट इज कंप्रेशन मेंबर which resist the एक्सियल फोर्स। स्ट्रट जो होता है आपका, उस पर क्या होता है, सिर्फ आपका एक्सियल फोर्स लगता है, ठीक है। कॉलम पे आपका एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों लगता है, बट स्ट्रट क्या है आपका, सिर्फ उस पर आपका एक्सियल फोर्स लगता है, ठीक है। स्ट्रेट कैसा मेंबर है आपका, स्ट्रेट एक कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन में हमेशा बार बार पूछते रहता है स्ट्रेट कैसा मेंबर है, याद रखना है स्ट्रेट आपका एक कंप्रेशन मेंबर है। और पिछले लेक्चर में बताया था टाई कैसा मेंबर है, टाई एक आपका टेंशन मेंबर है, टाई क्या है, ये आपका टेंशन मेंबर है, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में खूब पूछते हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो आगे, उसके बाद सेक्शन यूज फॉर कंप्रेशन, जो सेक्शन हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे सेक्शन यूज करते हैं हम कंप्रेशन मेंबर में, कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग और जानेंगे कंप्रेशन मेंबर के बारे में। कंप्रेशन मेंबर में क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम लोग जैसे टेंशन मेंबर में बताए थे, टेंशन मेंबर में जो आप करता है सिग्मा परमिसिबल जो होता है वो आपका क्या होता है, फिक्स रहता था। टेंशन मेंबर में सिग्मा परमिसिबल जो आपका रहता था फिक्स रहता, बट कंप्रेशन मेंबर जो रहता है आपका, कंप्रेशन मेंबर में सिग्मा एसी जो रहता है ये आपका फिक्स नहीं होता है, ये आपका
नॉट फिक्स रहता है, ठीक है, ये आपका फिक्स नहीं रहता। ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपका लैम्डा पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपका लैम्डा पे डिपेंड करता है। लैम्डा क्या है आपका, तो लैम्डा आपका स्लेंडरनेस रेशियो है, स्लेंडरनेस रेशियो है आपका, स्लेंडरनेस रेशियो है, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, मॉस में सॉम में पढ़े होंगे, लैम्डा स्लेंडरनेस का फॉर्मूला क्या होता है, एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम होता है, आर मिनिमम होता है। एल इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लेंथ है आपका, आर मिनिमम क्या है आपका, आर मिनिमम आपका है रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, जिसे आप ऑलरेडी सॉम में पढ़े होंगे, ठीक है। ये आप आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या फॉर्मूला होता है आपका, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर मिनिमम यहाँ पे देखो क्या होता है, वुड अंडर आई मिनिमम अपॉन एरिया, ठीक है। आई मिनिमम क्या है आपका, आई मिनिमम ये आपका है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े होंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। सब सेक्शन का अलग अलग होता है, आई सेक्शन का अलग होता है आपका, रेक्टेंगल सेक्शन का अलग होता है, एंगल सेक्शन का अलग होता है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्सिया अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन किसको बोलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। ये लोग आप लोग सॉम में पढ़े होंगे, मॉस में पढ़े, मॉस के लेक्चर में पढ़े होंगे रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में, ठीक है। क्या होता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेसिस्टेंस ऑफ, रेसिस्टेंस ऑफ, रेसिस्टेंस अगेंस्ट, 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 रेसिस्टेंस अगेंस्ट टू रोटेशन एंड, रोटेशन एंड बकलिंग। रेडियस ऑफ गायरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एंड बकलिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे मान लो, मान लो कि आपका आर मिनिमम का जो वैल्यू है, ये आर मिनिमम का वैल्यू है, जो आपका आर मिनिमम का वैल्यू है, ये जो आपका आर मिनिमम का वैल्यू दिख रहा है, अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर इंक्रीज करेगा, आपका इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्सिया इंक्रीज करेगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन भी इंक्रीज करेगा, ये आर का जो वैल्यू है ये भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आपका आर रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीज किया, इंक्रीज हुआ तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा आपका घट जाएगा, क्योंकि ये लैम्डा और रेडियस ऑफ गायरेशन में आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन है, ठीक है। जैसे जैसे आपका रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लैम्डा घट जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप देखो हम लोग कौन कौन सा कंप्रेशन मेंबर में सेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। आप देखो कुछ डिजाइन का भी रहता है, डिजाइन जो कंप्रेशन मेंबर रहता है, डिजाइन जो हम लोग करेंगे, जो कंप्रेशन मेंबर का हम लोग डिजाइन करेंगे, जो हम लोग डिजाइन करेंगे कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन करेंगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रॉस निकालते हैं, एक ग्रॉस निकालते हैं, ठीक है। टेंशन मेंबर में क्या करते थे हम लोग, टेंशन मेंबर में क्या करते थे, टेंशन मेंबर में हम लोग, टेंशन मेंबर में हम लोग ए नेट निकालते थे, ए नेट एरिया निकालते थे, ठीक है। और इसमें क्या करना है हमको, एक ग्रॉस निकालना, एक ग्रॉस को कैलकुलेट करना है पूरा कंप्लीट, एक ग्रॉस का मतलब क्या होता है, पी अपॉन सिग्मा ए सी, ठीक है। ये आपका फिक्स नहीं रहता है, ये नॉट फिक्स रहता है, ये किस पे डिपेंड करता है आपका, ये आपका लैम्डा पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई थिंक सिग्मा ए सी के बारे में समझ गएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, अब चलते हैं कौन कौन सा सेक्शन हम लोग कंप्रेशन मेंबर में यूज करते हैं, ठीक है। देखो कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है, इन थ्योरी, इन थ्योरी न्यूमरस शेप कैन बी यूज फॉर कॉलम टू रेसिस्ट गिवन लोड, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ एवर फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस इज सेवरली
लिमिटेड बाय सेक्शन एबिलिटी कनेक्शन प्रॉब्लम्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन विच द सेक्शन इज टू बी यूज। ठीक है, हम लोग कंप्रेसर मेंबर में बहुत सारा सेक्शन यूज करते हैं, बहुत सारा सेक्शन यूज करते हैं, वो आपका इजिली अवेलेबल रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग आई सेक्शन यूज करते हैं, टी सेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किस टाइप का हम लोग सेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किस टाइप का सेक्शन हम लोग यूज करते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर है, ये सब आपका क्या है, कंप्रेशन मेंबर है। पहला कैसा सेक्शन है, पहला आपका ये आपका कैसा है, सिंगल एंगल है। ये कैसा सेक्शन है, ये आपका सिंगल एंगल है। ठीक है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, कुछ इस टाइप का आपका एंगल बना होता है, कुछ इस टाइप का बना, 3D में बनाकर थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, इस टाइप का कुछ एंगल आपका बना होता है, इस टाइप का कुछ एंगल आपका बना रहता है। ठीक है, ये एंगल सेक्शन है आपका, ये एंगल प्लेट है। ठीक है, इसका कुछ इस टाइप का थिकनेस रहता है, ये सब ठीक रहता है। ये आपका कैसा है, ये आपका एंगल सेक्शन है। ठीक है, ये आपका कैसा है, ये आपका डबल एंगल सेक्शन है। ठीक है, ये सब कैसा है आपका, ये सब कंप्रेशन मेंबर का आपका टाइप है। ठीक है, ये आपका टी सेक्शन है, टी सेक्शन है, ये आपका चैनल सेक्शन है। ठीक है, ये आपका डब्लू कॉलम है। ठीक है, ये आपका पाइप है, राउंडेड पाइप है। उसके बाद ये आपका स्क्वायर टबिंग है, स्क्वायर टबिंग है। ठीक है, ये सारा सेक्शन आपका कैसा है, ये सारा सेक्शन आपका कैसा है, ये सब आपका कंप्रेशन मेंबर है, ये सारा आपका कंप्रेशन मेंबर है। जनरली हम लोग इस टॉपिक में 3 या 4 मेंबर के बारे में पढ़ेंगे, एक आपका एंगल सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक डबल एंगल सेक्शन के बारे में, और दूसरा टी सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा आप चैनल सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये चार आपका जो कंप्रेशन मेंबर है, इन चारों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं और कुछ सेक्शन है आपके कंप्रेशन मेंबर के, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल HS टबिंग है। ठीक है, ये आपका 4 एंगल बॉक्स सेक्शन है, 4 एंगल को मिला के एक बॉक्स सेक्शन बना दिया, ये आपका पूरा कंप्लीट बॉक्स सेक्शन है, ये आपका बॉक्स सेक्शन है, बैक टू बैक है। ये आपका कैसा है, ये आपका फेस टू फेस है। ये कैसा बॉक्स सेक्शन है, ये आपका बैक टू बैक सेक्शन है, बैक टू बैक सेक्शन है। ठीक है, ये आपका डब्ल्यू विथ कवर प्लेट है, ये आपका आई सेक्शन है, आई सेक्शन में क्या है आपका कवर प्लेट लगा हुआ, ये आपका कवर प्लेट है, ये आपका कवर प्लेट है। ठीक है, ये आपका डब्ल्यू विथ चैनल है, ये एक्चुअली में आई सेक्शन है, आई एंड चैनल सेक्शन है, ये आपका आई सेक्शन है, डब्ल्यू नहीं, ये आई सेक्शन है। ठीक है, ये आपका बिल्टअप सेक्शन है, ये आपका बिल्टअप सेक्शन विथ कवर प्लेट है। ये जो इतने जो आपके टोटल हैं, ये आपका टोटल क्या है, ये टोटल आपका कंप्रेशन मेंबर है, टोटल आपका क्या है, कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम लोग इफेक्टिव लेंथ के बारे में जानेंगे, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, जो आपका कंप्रेशन मेंबर है वो इसका इफेक्टिव लेंथ के बारे में जानेंगे। जनरली जो अपना लैम्डा जो होता है, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो सिग्मा एसी है, जो ये आपका एसी है, सिग्मा एसी जो एसी है, ठीक है, सिग्मा एसी जो ये किस पे डिपेंड करता है, ये लैम्डा पर डिपेंड करता है, लैम्डा पर डिपेंड करता है। तो लैम्डा को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, एल इफेक्टिव अकाउंट में आर मिनिमम। ठीक है, तो ये जो एल इफेक्टिव है, इसी एल इफेक्टिव को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो भी आपका सेक्शन दिया रहेगा, जैसा भी आपका कॉलम रहेगा, उस कॉलम का हम लोग क्या करेंगे, एल इफेक्टिव सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आर मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो पीछे बता चुके हैं। चार कंडीशन होते हैं कॉलम इंड का, जो रहता है कॉलम इंड का, वो आपका चार कंडीशन होते हैं, या तो आपका बोथ इंड हिंज होगा, या फिर आपका बोथ इंड फिक्स होगा। कहने का मतलब, ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है, मान लो ये क्या है आपका
बोथ इंड फिक्स्ड है, ये आपका मान लो ये आपका कॉलम है, ये मान लो आपका क्या बोथ इंड हिंज है, ठीक है। उसके बाद मान लो किसी एक ऐसा कॉलम आएगा, मान लो एक ऐसा कॉलम कहते हैं वन इंड फिक्स रहेगा और अदर इंड आपका हिंज रहेगा। वन इंड आपका मान लो ये आपका फिक्स है, ये आपका इंड हिंज है, ठीक है। मॉस में आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, फिक्स सपोर्ट तीन टाइप के सपोर्ट होते हैं। ये आपका रोलर सपोर्ट होता है, ये आपका रोलर सपोर्ट होता है, ये आपका हिंज सपोर्ट होता है, और चौथा क्या होता है आपका फिक्स सपोर्ट। ये आपका तीन सपोर्ट होते हैं, ठीक है। इसमें रिस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ वर्टिकल में ये रिस्टैंड करता है, एक बार वर्टिकल सिर्फ रिएक्शन लगता है, ठीक है। इसमें आपका रिस्टैंड के लिए दो फोर्स लगता है, आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो रिस्टैंड फोर्स लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका तीन लगता है, एक आपका आपका जो फिक्स सपोर्ट रहता है, जो आपका फिक्स सपोर्ट रहता है उसमें आपका तीन फोर्स लगता है। एक तो आपका वर्टिकल में रिस्टैंड करता है, वर्टिकल में, उसके बाद हॉरिजॉन्टल में, और इस पर आप एक का एक आपका मोमेंट भी लगता है, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट पे तीनों जो फोर्स रहता है रिस्टैंड करने के लिए तीनों फोर्स लगता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट भी आपका रिस्टैंड मोमेंट लगता है, ठीक है। सम में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या है आपका, चौथा वन इंड फिक्स्ड एंड अदर इंड फ्री, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या है, इस एक इंड आपका फिक्स रहेगा और ये आपका ये इंड आपका फ्री रहेगा। यही आपके चार कंडीशन बनते हैं इफेक्टिव लेंथ के, इफेक्टिव लेंथ के ये आपका चार कंडीशन बनता है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे निकालता है, उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। आप देखो ये कैसा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, इसी को बोलते हैं हम लोग हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में क्या होता है, दो आपका रिस्टैंड फोर्स लगता है और एक जो होता है मोमेंट, वो आपका मोमेंट में वो आपका फ्री होता है। रिस्टैंड अबाउट क्या होता है फोर्स, वो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिस्टैंड होता है, और जो आपका फोर्स रहता है ये जो आपका हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट जो है, ठीक है, ये आपका वर्टिकल में रिस्टैंड फोर्स लगता है और आपका हॉरिजॉन्टल में ये रिस्टैंड करता है। ये मतलब वर्टिकल में मूव नहीं करने देगा, अगर इससे कोई भी बीम अगर कनेक्ट है ये आपको वर्टिकल में मूव नहीं करने देगा और हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करने देगा। जैसे ही मान लो किसी इसमें कोई मोमेंट लगा, मोमेंट लगा, ये आपका क्या करेगा, मोमेंट के कारण आपका मूवमेंट कर देगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है, मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। हिंज सपोर्ट का दूसरा नाम है पिनेड इंड, पिंस इसको बोल सकते हैं, पिंस से कनेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है आपका हिंज सपोर्ट में, ये कैसा, ये पहला कंडीशन है आपका, ये आपका पहला कंडीशन है, ये आपका पहला कंडीशन है, बोथ बोथ इंड हिंज है, बोथ इंड हिंज है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एल जो होगा एल इफेक्टिव, ये एल इफेक्टिव जो होगा, ये एल इफेक्टिव पहला कंडीशन क्या होगा इसका, एल इफेक्टिव जो होगा, एल इफेक्टिव जो होगा वो आपका एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोड लगाएंगे, लोड लगाने के कारण क्या क्या होगा, ये आपको कुछ इस तरह का डिफ्लेक्शन दिखने को मिलेगा। जैसे ही लोड लगाइएगा तो ये आपको कुछ इस तरह का, स्टार्टिंग से ही डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये पिनेड कनेक्शन है या पिन से कनेक्ट है, ठीक है, पिन से कनेक्ट है, ये आपको इस टाइप का कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का मिलेगा देखना। एक्चुअली में ये बीम कैसा है, ये आपका बीम कुछ इस टाइप का है, पूरा सीधा बीम है, ये आपका पूरा सीधा बीम है, ये आपको पूरा स्ट्रेट बीम है, स्ट्रेट बीम है, इस टाइप का स्ट्रेट बीम है। इस पर लोड जैसा ही लगाए ये क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये आपको सिर्फ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। इस टाइप के बीम में क्या होता है, पहले तो जो लेंथ था वो टोटल पूरा एल था, टोटल एल था, जब इस पे आप लोड लगाओगे, लोड लगाओगे, लोड लगाने के कारण इसका लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, वो लेंथ आपका एल इफेक्टिव जो रहेगा वो एल के ही बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सपोर्ट क्या है आपका हिंज है, ठीक
ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि इस यहाँ पे पूरा देखो, इस बीम को देखो पूरा, कहीं पे नहीं दिखेगा आपको, कहीं पे नहीं दिखेगा कि ये बीम थोड़ा सा भी टिल्ट किया है या मूव किया है। एज इट इज जितना लेंथ है उतना ही लेंथ का सिर्फ आपको ये यहाँ से आपको मूव कर गया है, ठीक है, झुक गया है बीम, ठीक है। आपको जो सपोर्ट है यहाँ, सपोर्ट से आपको दिख रहा होगा, इस सपोर्ट से ही आपका चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसका जब जब कंडीशन आपको देखने को मिले, इस बोथ इन हिंज रहेगा, बोथ इन हिंज रहेगा, उस टाइम जो एल इफेक्टिव आएगा आपका, एल इफेक्टिव वो आपका एल के बराबर आएगा, एल के बराबर आएगा। ये एल क्या है? थ्योरेटिकल में, थ्योरेटिकल और थ्योरेटिकल एंड रिकमेंडेशन वैल्यू दोनों सेम होगा, दोनों में आपका सेम ही होगा, ठीक है, दोनों में आपका सेम होगा। कभी पूछ देगा क्वेश्चन में, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ देगा, आईएएस कोड के रिकमेंडेशन के अनुसार अगर बोथ इंड हिंज है तो उसका एल इफेक्टिव कितना होगा? तो आपको याद रखना है एल इफेक्टिव आपका एल के बराबर होगा, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि थ्योरेटिकल वैल्यू के हिसाब से बोथ इंड अगर फिक्स है, बोथ इंड अगर हिंज है उसका एल इफेक्टिव कितना होगा? वो आपका एल के बराबर होगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल और रिकमेंडेशन में दोनों एल इफेक्टिव आपके एल के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन अपना क्या था, बोथ इंड फिक्स्ड, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बोथ इंड फिक्स्ड है, ये आपका कुछ इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, इस टाइप का बनाया, ये आपका पहले बीम कुछ इस टाइप का था, ये क्या था, पूरा फिक्स था, फिक्स था बीम, ठीक है। तो लेंथ पूरा पहले एल था, पूरा लेंथ एल था, ये बीम कुछ ऐसा था, ऐसे था, सीधा था, पूरा आपका कुछ इससे सीधा था, ठीक है इस टाइप का था। देखो थोड़ा सा इसको हम कोशिश करते हैं सीधे करने की, इस टाइप का बीम था आपका, इस टाइप पूरा एकदम सीधा बीम था आपका, ठीक है, इस टाइप का बीम था, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो इस पर जैसे ही लोड लगाए, इस पर मैंने जैसे ही लोड लगाया, पी लोड लगाया, लोड लगाने के कारण क्या हुआ, ये देखो ये पूरा आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा हो, यहाँ से आपका डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से आपका डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट किया, दिख रहा है, ये देखो यहाँ तो आपका फिक्स सपोर्ट पे डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, आपका कुछ स्पेस के बाद यहाँ से आपका बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ है, देखो यहाँ से बीम आपका ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, ऐसे हुआ। जबकि आपका हिंज सपोर्ट था, हिंज सपोर्ट में क्या था आपका, स्टार्टिंग से ही डिफ्लेक्ट हो गया, इसीलिए आपका एल इफेक्टिव एल के बराबर था, बट यहाँ पर क्या होगा, एल इफेक्टिव कम हो जाएगा, ठीक है, एल इफेक्टिव आपका कितना होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना कम होगा, ये आपका एल इफेक्टिव 0.5 एल के बराबर होगा, ठीक है, कहने का मतलब हाफ हो जाएगा, हाफ, ये पहले एल था उसका एल इफेक्टिव कितना आएगा, हाफ के बराबर हो जाएगा एल इफेक्टिव, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। याद रखना फिक्स सपोर्ट जब भी रहेगा उसमें एल इफेक्टिव क्या रहेगा आपका, वो आपका हाफ के बराबर रहेगा, ठीक है, हाफ के बराबर रहेगा, ठीक है। अब दिख रहा होगा क्लियर भी दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर बोथ इंड आपका फिक्स्ड है एल इफेक्टिव जो आएगा वो आपका 0.5 एल, कहने का मतलब 1/2 एल के बराबर आएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, ये तो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये क्या है आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। अगर पूछ दे आईएस कोड रिकमेंडेशन के हिसाब से कितना होगा एल इफेक्टिव इसका, और बोथ इन फिक्स है, आईएस कोड रिकमेंडेशन के हिसाब से कितना होगा, ये आपका होगा 0.65 एल होगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका क्या है, ये आपका आईएस कोड रिकमेंडेशन वैल्यू है, ठीक है। अब देखो आपका अगला सपोर्ट कैसा था, वन इंड क्या था आपका, फिक्स्ड था,
और अदर इंड आपका क्या था, हिंज था, ठीक है। ये देखो ये इंड आपका फिक्स्ड है, ये इंड कैसा है आपका, हिंज है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा स्क्रब कर लेते हैं, ये इंड आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ये इंड कैसा है आपका, फिक्स्ड है, ये इंड आपका क्या है, फिक्स्ड है, और ये इंड आपका क्या है, हिंज्ड है, ठीक है। जैसे ही इस पे लोड लगाए, जैसे ही इस पे लोड लगाए, बीम क्या हुआ, बीम बकल बकल कर गया, ठीक है, बकल कर गया। तो ये जो ऊपर से है आपको हिंज दिख रहा है, ये आपका हिंज यहाँ से बकल किया है, और जो आपका फिक्स था कुछ तो कुछ दूर तक तो ये स्ट्रेट ही है, उसके बाद यहाँ से आपको टिल्ट हुआ है, इस टाइप का देखो, इस टाइप का देखो, इस टाइप ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे देखो कैसे हुआ, ये देखो ये कुछ इस टाइप का बीम सीधा सीधा था आपका, ठीक है, पूरा सीधा सीधा बीम है, देख रहे हो, दिख रहा होगा आपको। पहले क्या था बीम आपका, पूरा एकदम कंप्लीट स्ट्रेट था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लोड लगाए, जैसे ही आपने लोड लगाया, लोड लगाने के कारण क्या हुआ, टिल्ट कर गया बीम आपका, जो आपका हिंज था, हिंज सपोर्ट, वो आपका सपोर्ट से ही देखो टिल्ट कर गया, ये सपोर्ट से ही आपका टिल्ट कर गया, और जो फिक्स सपोर्ट था ये आपका यहाँ से आकर टिल्ट किया, देखो ऐसे टिल्ट किया, ठीक है। इसमें जो आपका एल इफेक्टिव होगा, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जितना टिल्ट किया है, ये जो एल इफेक्टिव है, ये कितना है, 0.7 एल के बराबर होगा, 0.7 एल के बराबर होगा। ये जो आपका इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर दिख रहा है, इसका एल इफेक्टिव, ठीक है, लोड लगाने के बाद जो टिल्ट हुआ, ठीक है, वो कितना, 0.5 है। उसके बाद ये एल तो पूरा आपका एल के बराबर ही रह जाएगा, एल इफेक्टिव, ठीक है, समझ रहे हो। एल इफेक्टिव क्या है, पहले आपका पूरा बीम का लेंथ एल था, जैसे ही आपने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद आपके बीम के लेंथ में क्या चेंजिंग आया, उसी को हम लोग एल इफेक्टिव बोल रहे हैं, समझ रहे हो। लोड लगाने के बाद जो जो भी चेंजिंग आया आपका बीम में, वो कितना चेंज आया, उसी को हम लोग एल इफेक्टिव बोल रहे हैं, इफेक्टिव लेंथ क्या है, समझ रहे हो। अब देखो ये है आपका वन इंड, ये आपका है वन इंड, वन इंड फिक्स्ड है, फिक्स्ड, और अदर इंड, अदर इंड क्या है आपका, हिंज्ड है, अदर इंड हिंज्ड है, ठीक है। उस कंडीशन में आपका एल इफेक्टिव जो आएगा, एल इफेक्टिव वो आपका 0.7 एल के बराबर आएगा, 0.7 एल के बराबर आएगा, ठीक। ये कैसा वैल्यू है आपका, ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, एक और है, अब रिकमेंडेशन वैल्यू क्या होगा, एल इफेक्टिव का रिकमेंडेशन वैल्यू क्या होगा, 0.8 एल होगा, ये आपका क्या है, आईएस कोड रिकमेंडेशन वैल्यू, ठीक है। तो दोनों वैल्यू याद रखना है आपको, एक नंबर क्वेश्चन 100% पूछेगा, इस चारों को आपको याद रखना ही रखना ही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो एक बीम और था आपका, वन इंड फिक्स हो और अदर इंड आपका फ्री हो, ठीक है, ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है, वन इंड क्या है आपका, फिक्स्ड है, और अदर इंड आपका फ्री है, ठीक है। इसका मान लो एल है, एल है, जब इस पे तुम लोड लगाओगे, लोड लगाओगे कुछ इस टाइप, लोड लगाओगे कुछ इस टाइप का अपन डिफ्लेक्शन दिखने को मिलेगा, ये आपका ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे लोड लगाओगे ये पूरा पूरे मूव कर जाएगा, ठीक है, पूरा मूव कर जाएगा, तो ये पूरा आपको इस टाइप का डिफ्लेक्शन दिखने को मिलेगा, इस टाइप का डिफ्लेक्शन दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो एल इफेक्टिव जो आएगा, उस टाइम जो एल इफेक्टिव आपका आएगा, वो आपका 2L के बराबर आएगा, ठीक है। जब ये कंडीशन कैसे है, वन इंड फिक्स्ड, और अदर इंड क्या है आपका, फ्री है, ठीक है। उस कंडीशन में आपका L इफेक्टिव जो आएगा, L इफेक्टिव वो आपका 2L के बराबर आएगा, ठीक है, 2L के बराबर आएगा। ये कैसा है आपका, ये आपका रिकमेंडेशन वैल्यू है, सॉरी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो और आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।